अफशान भाभी, 4 साल से मैं जैद की तीमारदारी कर रही हूँ। जैद के जाने के बाद तो मेरे हाथ पांव में जान नहीं रही। बच्चों को कैसे संभालूं? अम्मी, कलमा शहादत। नहीं, नहीं, अब उनको मत लेके जाए। नहीं, अब उनको मत लेके जाए। अम्मी को लेके जा रहे हैं। अब उनको मत लेके जाए। समझ नहीं आ रहा कि बाबा की वसीयत को कैसे पूरा करूं। कोई निशानी नहीं मिल रहा। जैद को कुछ पता चला? नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बाप को अल्लाह ताला ने आसानी दे दी। 4 साल से कैंसर में था और मुझे देखो किस तरह खिदमत की है मैंने उसकी। आपने? आप और सालेहा तो हर वक्त घर से गायब रहती थी। मैं कॉलेज से आके अब्बू को संभालती थी और ये छोटी सी जोया घर का काम करती थी। फातिमा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? अब्बू, बस अभी निकल रही हूँ मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा चलो बैठो, नाश्ता करो। नाश्ता? सॉरी अब्बू, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, अभी निकलना पड़ेगा। लेट हो गई तो फिर नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? अम्मी, सालेहा को आज तो घर पे बैठना चाहिए था, कहाँ गई है? हाँ, वो नौकरी की तलाश में गई है। उसे कौन जॉब देगा? तालीम ही क्या है उसकी? नौकरी के लिए तालीम नहीं, टैलेंट की जरूरत होती है। कहाँ थी तुम अभी तक? मेरी माँ भी जिंदा है, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। काश अम्मी ने तुमसे कुछ पूछा होता, नजर रखी होती तुम पे। खुदा के लिए सालेहा, अब्बू का साया अब हमारे सर पे नहीं है। तो कब था? अब्बू ने किया ही क्या है हमारे लिए? ये दोनों तो मेरे बाजू हैं, मेरी ताकत। बस दुआ करें कि मेरे बेटों को कभी किसी की नजर ना लगे। अम्मी, हानिया को समझा लें, 4 जमातें ज्यादा क्या पड़ी है, वो मेरी माँ बनने लग गई आजकल। मैं सोच रही थी कि शादी से पहले अगर हम फातिमा को वलीद भाई। फिर वही बात है मीना, ये बात तुम मेरे साथ बहुत बार कर चुकी हो, अगली बार ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। जहां मैं काम करती हूँ उस जगह को बदनाम कह रही हूँ। उसी बदनाम पार्लर में जॉब कर करके मैंने तुम सब बहनों का पेट पाला, तुम्हारी फीसें भरी हैं, तुम्हारे बाप का इलाज कराया है। आज जो कुछ भी हो ना, मेरी वजह से। फिर तो तुम्हारी अम्मी से मिलना पड़ेगा मुझे। हाँ, 2-3 दिन में आप अम्मी से मिल सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। और आप? मेरे से जरूर मिल लें, कल मिल लेते हैं।